YouTube चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज FYSY स्टूडेंट का टाइम टेबल आ चुका था। आज के इस वीडियो में मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस आया है जिसमें TY BCOM के स्टूडेंट का टाइम टेबल आ चुका है। तो दोस्तों जितने भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर जुड़ रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनके तक भी पहुंच जाए। दोस्तों मैं आपको पूरा गाइडलाइन के साथ बता देता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है आप लोगों के लिए। दोस्तों ये देखिए, ऑनलाइन एग्जाम टाइम टेबल आ चुका है TY BCOM ईयरली पैटर्न वालों के लिए, ओनली फॉर आइडियल स्टूडेंट, ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज कि आपका जो एग्जाम है वो 1 आवर्स का होने वाला है। 50 MCQs आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और 50 MCQs 50 मार्क्स के लिए, मतलब आपको पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट था। अब बात आती है कि ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है ये ऑनलाइन सिस्टम से एग्जाम कंडक्ट करवा रही है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, और उसका जो एग्जाम का पैटर्न है वो MCQs पैटर्न है। साथ ही साथ ये फ्रेशर स्टूडेंट, बैकलॉग एंड रिपीटर स्टूडेंट सभी के लिए रखा गया है। देन दोस्तों आप अपना एग्जाम, जो भी आपका सिलेबस है मुंबई यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको जो प्रोवाइड करवाया गया है वही है, और आप एग्जाम अपने फोन, लैपटॉप, टैब, डेस्कटॉप किससे भी दे सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल जर्नल ही जो पहले के सब गाइडलाइन में मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को, ये वही सब है। लेकिन एक इधर इम्पोर्टेंट है कि जो TY स्टूडेंट है उनका एग्जाम सुबह 9 से लेकर 6 बजे के बीच में चलने वाला है, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक का आपका एग्जाम का स्लॉट टाइम है। आप उस सभी टाइम में से कोई भी 1 घंटा आप सिलेक्ट कर सकते हो आपका ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए, मतलब मॉर्निंग 9 से 6 के बीच के स्लॉट में कोई भी 1 आवर्स आप अपने सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हो। लेकिन जो तीसरा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि अगर 6 बजे के पहले, मतलब कि आपने आधे घंटे पहले लॉग इन किया 5:30 को, तो याद रखना कि 6 बजे इनका स्लॉट बंद हो जाएगा तो सिर्फ आपको 1/2 आवर मिलेगा। वो 1/2 आवर मिला है उसमें आपकी गलती है, मुंबई यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है, क्योंकि आप उसके पहले एग्जाम दे सकते थे, आपने नहीं दिया, वो गलती आपकी मानी जाएगी और आपको सिर्फ 1/2 आवर मतलब 30 मिनट ही दिया जाएगा एग्जाम के लिए। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज है कि सर टाइम टेबल बता दो। दोस्तों ये देखिए, ये आपका टाइम टेबल जो चालू होने वाला है वो 8 जून से चालू होने वाला है। दोस्तों मैं टाइम बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम सब सब्जेक्ट में सेम है। मैंने बता दिया पहले कि स्लॉट टाइम आपका मॉर्निंग 9 से लेकर 6 बजे तक का रहेगा और ये स्लॉट टाइम सभी सब्जेक्ट में आपको मिल जाएंगे, तो मैं टाइम नहीं बताऊंगा, मैं डेट और आपको सब्जेक्ट बताऊंगा। तो 8 जून को ट्यूजडे को दोस्तों आप लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर होने वाला है, ठीक है। और 8 जून को दोस्तों बिजनेस मैनेजमेंट का भी पेपर है, जिन्होंने जो सिलेक्ट किया होगा उस सब्जेक्ट का उनका एग्जाम है। 9 जून को दोस्तों आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिट, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, उसका पेपर है। फिर वही 9 जून को जो बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट है उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, ठीक है। दोस्तों जैसे कि आपका बिजनेस मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ये 2 स्टूडेंट है तो उनके सब्जेक्ट में आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। 10 जून को दोस्तों जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टूडेंट है, ठीक है, उनका पेपर 5 है। देन उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग है एंड ऑडिटिंग है, ठीक है, जो मैनेजमेंट के है। 10 जून को मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट है बिजनेस मैनेजमेंट के, उनका मार्केटिंग मैनेजमेंट का पेपर है, जो आपका सामने दोस्तों आपको टाइम टेबल दिख रहा है, आप देख भी सकते हो। देन 11 जून को दोस्तों आपको बिजनेस इकोनॉमी का पेपर है। 12 जून को दोस्तों आपका मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर है। 14 जून को दोस्तों आप लोगों का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर है। 15 जून को दोस्तों आप लोगों का एक्सपोर्ट मार्केटिंग है। 16 जून को दोस्तों आप लोगों का साइकोलॉजिकल एंड ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क, उसका पेपर है। देन 17 तारीख को दोस्तों आप लोगों का जो पेपर है वो ये मार्केटिंग रिसर्च है, ठीक है। 18 तारीख को दोस्तों आपका ट्रेड यूनियन एंड इंडस्ट्री रिलेशंस, ठीक है, इसका पेपर है। 19 तारीख को दोस्तों आप लोगों का, हाँ 19 तारीख को दोस्तों आप लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम है। तो दोस्तों ये रहा आपके सभी TY स्टूडेंट के ऑल सब्जेक्ट के MCQs के टाइम टेबल जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को टाइम टेबल बता दिया, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करना, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलना। फिर से मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।